हाँ आगे देखो, आज का पाठ है पांचवा पाठ विष्णु खरे। इनका एक पाठ आपके सिलेबस में लगा था, शायद नौवीं या दसवीं दसवीं में लगा था ना, विष्णु खरे का। तो पहले विष्णु खरे लेखक के बारे में, कवि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको आप लेखक भी कह सकते हैं और कवि भी, क्योंकि इन्होंने दोनों विधाओं पर कलम चलाई है। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था 1940 में, और 2018 में इनका निधन हो गया था। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 62 और 63 में दैनिक जो पत्र है इंदौर समाचार, उसके उप संपादक रहे हैं। 63 और 75 तक मध्य प्रदेश और दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े रहे हैं। एक शब्द होता है अध्ययन, एक होता है अध्यापन। अध्ययन होता है पढ़ना, अध्यापन होता है पढ़ाना, तो कॉलेज में पढ़ाते भी रहे थे ये। 1966 से 67 में एक लघु पत्रिका निकलती थी व्यास, उसका भी संपादन किया। 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव कार्यक्रम पद पर ये आसीन रहे थे, और 85 से नव भारत टाइम्स जो अखबार छपता है उसमें प्रभारी कार्यकारी संपादक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। बीच में लखनऊ संस्करण और रविवार जो नव भारत टाइम्स आता है, हिंदी वाला नव रविवार, और अंग्रेजी टाइम्स ऑफ इंडिया, उन दोनों में इन्होंने संपादन का कार्य किया। मतलब एक तरह से ये पत्रकारिता से काफी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं तो देश के विभिन्न हिस्सों की जानकारियां भी, विभिन्न घटनाओं की जानकारियां भी इनको रही है। पत्रकार इन चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रहते हैं, उनका कार्य क्षेत्र होता है, तभी इन्होंने वो पाठ लिखा था जानकारियों के आधार पर। 1993 में जयपुर नव भारत टाइम्स के संपादक के रूप में इन्होंने काम किया है। इनके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में वे 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता अध्ययन करने वाले रहे हैं। अब स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य में रत है, रत होता है लीन होना। अब ये स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, लेकिन ये किताब पुरानी छप चुकी है तो थोड़ा संशोधन हुआ नहीं अभी, जबकि अब तो ये है नहीं, अब तो 2023 चल पड़ा है ना, 2018 में इनका देहांत हो गया था विष्णु खरे का। औपचारिक रूप से उनके लेखन प्रकाशन का जो समय है वो 1956 से शुरू होता है। पहला जो प्रकाशन था वो था टीएस एलियट का अनुवाद मरु प्रदेश और अन्य कविताएं। 1960 में दूसरा कविता संग्रह आया एक गैर रोमानी समय में, और 1970 में प्रकाशित हुआ था ये। तीसरा संग्रह आया खुद अपनी आंखों से, ये 78 में आया, और चौथा सबकी आवाज के पर्दे में, ये 1994 में आया, और पांचवा पिछला बाकी, छठा काल और अवधि के दरमियान ये प्रकाशित हुए हैं। इनके एक समीक्षा पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, उसका नाम है आलोचना की पहली किताब, विष्णु खरे की लिखी हुई है, ये 1983 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद अत्यधिक किया है, अनुवादक भी रहे हैं ये, दूसरी भाषाओं का, रचनाओं का दूसरी भाषाओं में अनुवाद करना। उनको फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान, फिनलैंड जो देश है, हर एक देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया हुआ होता है, जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है श्रेष्ठ पुरस्कार, तो वैसे ही फिनलैंड का एक राष्ट्रीय सम्मान है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट रोज, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इसके अलावा रघुवीर साय सम्मान, शिखर सम्मान इनको मिल चुका है। हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्यकार सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी इनको मिल चुका है। इनकी कविताओं में जड़ता और मानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर की अभिव्यक्ति हुई है। मतलब जर्जर मान्यता या जड़ता की स्थिति को तोड़ फेंकने के लिए जो एक नैतिक सशक्ति की आवाज है वो इन्होंने अपने काव्य में मुखर की है, प्रकट की है, दिखाई है, लिखी है। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में लगी 2 कविताओं का कविता परिचय। तो ये कविताएं आपकी बहुत पुरानी पड़ी हुई होगी, काफी लंबा समय हो गया, थोड़ा दोहराते हैं क्या पढ़ा था हमने। इनकी पहली कविता है एक कम, और दूसरी कविता है सत्य। 2 कविताएं हैं एक कम और सत्य,
शायद आपके ध्यान में नहीं होगा कि एक कम में हमने क्या पढ़ा है और सत्य में क्या है, भूल गए होंगे, काफी पुराना पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा आज दोहरा लेते हैं। तो पहली कविता है एक कम, ध्यान से सुनना। कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा ही नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। आपको पता होगा, इतना आप समझ भी सकते हैं कि जो आजादी के दीवाने थे, जिनका नाम लेना भी मुश्किल है, असंख्य वीर अनाम उत्सर्ग हो गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये तो हम गिने चुने नाम लेते हैं। इन्हीं से आजादी नहीं मिली, न जाने कितने अनाम उत्सर्ग हो गए, है ना। लेकिन उन सब ने क्या सोचा था कि अंग्रेजी सरकार का शोषण समाप्त होगा, हमें आजादी मिलेगी, भारत स्वतंत्र होगा, भारत की अपनी कार्यपालिका होगी, भारत की अपनी व्यवस्थापिका होगी, भारत की अपनी न्यायपालिका होगी, किसी का शोषण नहीं होगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा, सबका विकास होगा। इस तरह की अवधारणा लेकर उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था। लेकिन क्या वो भारत, उनके सपनों का जो उन्होंने सोचा था, क्या आज वैसा भारत है? नहीं। पहले गोरे अंग्रेज लूटते थे, आज ये काले अंग्रेज लूट रहे हैं। एक एक छोटे छोटे चपरासी के यहाँ, छोटे छोटे अधिकारी के यहाँ कभी छापे पड़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए उनके खाते में उनके निकलते हैं, इतनी इतनी अनाम संपत्तियां उनके पास पड़ी है। समझारी बात है? तो सोचो कि सारे लोगों के यहाँ जो लोग हैं भ्रष्टाचार फैलाने वाले, सबके यहाँ छापे पड़ जाए और ईमानदारी से पड़े तो कितना धन निकलेगा पता ही नहीं, अंदाजा नहीं है। भारत सोने की चिड़िया पहले नहीं थी, अब है, पहले से कहीं ज्यादा है। कभी कभी तो आंखें फट जाती है। एक वो पुरानी घटना पड़ी मैंने अजमेर वाली, कि जब छापे पड़ने लगे तो ड्रम में रख रखे नोटों को, गट्टियों को जला दिया। हे भगवान, मतलब किसी के पास तो दो टाइम की खाने की रोटी नहीं है और किसी के पास पता नहीं है कि तेरे पास संपत्ति कितनी है, गिन नहीं सकता वो। और एक और पता नहीं कहां का क्या खबर थी, वो तो सोता ही नोटों की गड्डियों पर बिस्तर लगा कर, इसके बिना तो मुझे नींद नहीं आती। मतलब ऐसे ऐसे, और कहां से आते हैं? ईमानदारी से इतने पैसे नहीं कमाए जा सकते। ईमानदारी से दो समय की रोटी कमा सकते हो, इज्जत से परिवार पाल सकते हो, बस। समझाई बात है? ये अतिरिक्त जो गाड़ियां घुमा करते हैं ना, वो अतिरिक्त पैसे होते हैं। तो लोग और नेता लोग, अगर ये नेता लोग जाति पांति के झगड़े बंद कर दे और देश सेवा का प्रण ले ले तो फिर देश के विकास होने में टाइम नहीं लगता। और प्रत्येक अध्यापक, प्रत्येक बच्चे के सामने आज भारत की युवा पीढ़ी यानी भावी भारत कहां बैठा है? एक टीचर के सामने बैठा है। 5% को छोड़ दीजिए जो किसी मजबूरी के कारण होटलों में कप धोते हैं, किसी मजबूरी के कारण बेचारे कारखानों में यहाँ कहीं छोटी अवस्था में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ता है, उन 5-7% को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बच्चे आज कहां बैठे हैं? टीचर के सामने बैठे हैं। अगर टीचर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस करवाना है, इसी की तनख्वाह मिलती है, ये धारणा छोड़ दे और बच्चों को थोड़ा बताए देश क्या है, हमें क्या करना है, कर्तव्य क्या है और कैसे नैतिकता का पालन करना है, हमारी संस्कृति क्या है, हम किन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, ये चीजें अगर बच्चे के सामने प्रार्थना में या कैसे ही समय निकालकर प्रसंग सुना करके बता दी जाए तो विकृतियां समाज में आनी कम हो जाएगी। पर सबने अपना अपना कर्तव्य है औपचारिकताओं में निभाना शुरू कर दिया तो विसंगतियां बढ़ गई समाज में। और मां बाप को भी ध्यान देना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं, कई कई लड़कियों के कम कपड़ों में बद्दे इशारे करके व्यू आ जाए, हे भगवान, और उनके घर वाले टोकते नहीं है। एक वो लड़की है जो दो भाई है उसके, एक लंबा सा भाई है, एक छोटा भाई है, और वो लड़की कृष्ण भगवान के वगैरह वगैरह गीत गाती है, उनके भी व्यू बहुत हैं। अगर तुम्हें व्यू चाहिए तो शुद्ध सात्विक काम करके व्यू नहीं बढ़ा सकते क्या? उनके भी व्यू आते हैं, लेकिन नहीं, शॉर्टकट अपनाते हैं लोग पैसे कमाने के लिए और के लिए, और उनके माँ बाप टोकते नहीं है। और नेता लोग भी जाति पांति के झगड़े करवाने के लिए उकसाते रहते हैं बार बार,
उनको पता है कि ये वर्ग मेरे कहने से मेरे बात में आ जाएगा, लोग भी क्या है झंडा लेकर उनके पीछे जयकार के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अब वो पीछे दो चार दिनों से आपको मैंने बताया था रामचरितमानस की पंक्तियों पर बवाल उठा दिया कि उसमें तो गलत लिखा हुआ है, उस किताब को फाड़ दो, जला दो, हटा दो। हे भगवान, जो सैकड़ों वर्ष पहले लिखी गई थी कि उसमें ना लोग भड़क रहे हैं, लोग उसमें लिखी हुआ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, तो कह रहे हैं कि शूद्रों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके कारण हो रहा है क्या? लोग पहले पढ़ते हैं उसको और फिर शूद्रों पर अत्याचार करते हैं कि रामायण में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, हैं? पहली बात तो कोई बताओ मुझे जो उनको पढ़ने वाला है भी, क्या पढ़ता ही नहीं। और जो ये टिप्पणी कर रहे हैं ना, उसको खुद को कोई पूछे कि तू नहीं पढ़ी है क्या उसको पूरी को? अगर पढ़ी है तो वो जो तू लाइन निकाल के लाए ना, उसके ऊपर वाली लाइन बोल जा, उसके ऊपर वाला पद बोल के दिखा दे, ऊपर वाली चौपाई बोल के दिखा दे, और उसके बाद कौन सी चौपाई है वो बोल के दिखा, पता ही नहीं। बस बात निकालते हैं, उनको पता है इस बात को निकालने से कुछ वर्ग के लोग मेरे पीछे हो जाएंगे और मैं चर्चा में रहूंगा, बस इतना ही है। रचनात्मक काम है नहीं, कह रहे हैं रामचरितमानस को जला दो। अरे जलाने को बेरोजगारी है उसको जलाओ, भ्रष्टाचार को जलाओ, महंगाई को जलाओ, तुम्हें जलाना ही है तो। पर बस, और एक और है, हम कहते हैं ना कि अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे तो हमें गुस्सा आता है अंग्रेजों की इस नीति पर। अब क्या कर नहीं रहे, जो किताब में लिखा पड़ा है वो किताब पहली बात तो कोई पढ़ ही नहीं रहा। कौन है, किसके पास टाइम है यार, पाठ्य पुस्तक तो पढ़ने को टाइम नहीं है किसी के पास है। कौन रामचरितमानस पढ़ रहा होगा, आप में से किसी ने पढ़ी है? मैंने खुद ने नहीं पढ़ी, नहीं समझाई की बात है, कोई पढ़ नहीं रहा। और पढ़ रहा है तो किस किस ने रामायण या रामचरितमानस पढ़ पढ़ कर अपनी औरतों को पीटा है, कनारी को ताड़न का अधिकारी बता दिया। तो कोई एक आदमी बताओ ना जिसने रामचरितमानस पढ़ करके अपनी लुगाई को पीटा हो और वही लाइन तुमको दिख गई राम। अच्छा एक वीडियो बात और याद आ गई बीच में, एक वीडियो एक लड़की का वायरल हो रहा है, वो क्या कर रही है, वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए राम जैसा पति जो अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पर त्याग देता है, मुझे नहीं चाहिए कृष्ण जैसा पति जो कई गोपियों के साथ रहता है, मुझे तो रावण जैसा पति चाहिए। तो जो सुन लेगा ना तेरी वीडियो जो वायरल है तो वो रावण भी तुझे नहीं मिलेगा, वो भी तेरी भावना पढ़ लेगा। पर उनको मतलब नहीं चीजों से, वो सोचते हैं कि ऐसे हटकर कुछ करते हैं तो व्यू आते हैं, उसके चक्कर में बस। मतलब राम को क्या बता दिया, पत्नी विरोधी बता दिया, ये नहीं पता कि यार राम नारी विरोधी कहां से हो गया, सबरी के जूठे बेर खाने वाला। और कई कई के बारे में जब लक्ष्मण को क्रोध आता है तो कितना सुंदर तरीके से बताता है कि लक्ष्मण भैया तुम कई कई के त्याग को देखो, अपनी खुद की माँ की बजाय इन्होंने अपने को ज्यादा गोदी में खिलाया है, उनके त्याग को देखो। और अब वो नारी के बारे में तो अपनी पत्नी के बारे में उनके सात्विक विचार देखो, उनके बाप दादाओं ने कई की शादियां की थी और ये रिवाज राम ने तोड़ा था कि नहीं बस एक सीता एक पत्नी पर आस्था रखने वाला खुद ने। और त्याग, त्याग तो पूछो ही मत कितना किया पत्नी के लिए, समुद्र में पानी में यार मार्ग बना के अपनी पत्नी को लाने के लिए चला गया। और रावण जैसे दुराचारी का सामना किया निडर होकर के बिना डरे, और मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं उनको, पर उन पर उल्टी सीधी टिप्पणी करके छाना है बस किसी न किसी तरीके से लोगों में। अब अंग्रेज तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, ये नेता नहीं अपना रहे क्या? वो लाइन दबी पड़ी है कहीं किताबों में, कोई पढ़ ही नहीं रहा उसको, फिर भी उठा करके लाते हैं आगे। साहित्य हमेशा समय के सापेक्ष होता है और साहित्यकार समय से और ये समाज से उठा करके विषय वस्तु तैयार करते हैं, उस पर अपना साहित्य लिखते हैं। तो तभी तो कहते ना साहित्य समाज का दर्पण है, तो समाज में जिस रूप में परिस्थितियां होगी उन परिस्थितियों के हिसाब से वो उठाएंगे। तुमको अगर विरोधी करना है तो रीतिकाल में बहुत अश्लील साहित्य भरा पड़ा है वो उठा के दिखा दो, फिल्मों में इतना भद्दा प्रदर्शन आ रहा है उसको हटा के दिखा दो, पोर्न वीडियो चले उनको हटा के दिखा दो, उनकी तो हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हटाएंगे तो समाज सुरक्षित हो जाएगा ना, समाज की समाज में विकृति आना बंद हो जाएगा, लड़के बिगड़ना बंद कर देंगे, वो तो करना नहीं है। समाज आराम से अपना अपना जीवन यापन कर रहा है, मेरे पड़ोस में मुस्लिम है, मेरे पड़ोस में हिंदू है, मेरे पड़ोस में ब्राह्मण है, सारे गांव में सब मिलजुल के रहते हैं, पर नहीं उनको मुद्दा उठा करके, क्योंकि उनसे उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। समाज थोड़ी सुधारना है, जड़े जापड़े समाज में विसंगति लाना है, भेदभाव करना है, और लोग भी उनका झंडा लेकर के आगे आ जाते हैं। यूं नहीं सोचते कि उस पंक्ति में इतना गलत लिखा पड़ा है तो ये तुम्हारे ही ध्यान में आया क्या, वो भी 2023 में, जबकि वो सदियों पहले लिखी गई है। तो सदियों से लेकर अब तक 2023 तक कोई विद्वान पैदा हुआ ही नहीं जिसको ये पता लगे कि यार कितनी गंदी लाइन है,
तुम्हें ही पता लगा है, तुम ही प्रकांड विद्वान हुए हो सदियों के बाद। तुम्हें समाज में कई विसंगति दिख रही है तो विसंगति से लड़ो ना, उसको लात मार कर दूसरा नया समाज बनाने की सोच रहे हैं। मान लो अपने घर में जाला आ गया मकड़ी का, देखो समय के साथ विसंगति आ जाती है, तो बड़े बड़े जो वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, या जो समाज के हितैषी हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ले लो, विवेकानंद ले लो, राजा रामोहन, जो भी हुए हैं, बहुत हुए हैं, नाम गिनाना ही मुश्किल है। तो उन्होंने समाज में आई विकृतियों को दूर करने का प्रयास किया है। भगोड़े थोड़ी बने हैं, भाग्य थोड़ी है, तो अगर विसंगति आ गई तो उसको दूर करने की हिम्मत दिखाओ। हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मणों का ही है क्या? ठेका ले रखा है ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म का? पर नहीं, उन विसंगतियों के बातों में आकर या लोगों की बातों में आकर के वर्ग अलग अलग खड़ा कर लिए। अरे बंटना ही है तो बांट तो लो, अंग्रेज भी रहे थे ना, बंटते ही रहोगे क्या हमेशा के लिए? घर में जाला आता है तो घर को छोड़ते भागते हैं या जाले को दूर करते हैं? जाले को दूर करते हैं। और उन्होंने कोई ठेका ले रखा है क्या हिंदू धर्म का? कौन ठेकेदार है हिंदू धर्म का? हम सब का है। और धर्म क्या कोई छोटी चीज है क्या? मैंने पहले बताया आपको, किसी प्यासे को पानी पिलाना भी धर्म है। तो इनको संप्रदाय में बांट बांट करके नेता लोग तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वोट डालने वाले बढ़ जाएंगे, तब कर रहे हैं, पर लोग समझ नहीं रहे। तो बात यहां पर यह चल रही है कि आजादी के बाद के जो सपने थे साकार करने के लिए, जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा था, क्या वो स्थितियां अब है? क्या वो भारत, उनको आजादी का भारत, सपनों का भारत मिल पाया? नहीं। आज विसंगतियां बहुत बड़े पैमाने पर मुंह बहाए हुए हैं। भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, ये चीजें इतनी बढ़ गई है। अब वो कवि क्या कहना चाहता है कि भले ही मैं इतनी विसंगतियों को अकेला नहीं दूर कर सकता, लेकिन कम से कम मैं अगर भ्रष्टाचार नहीं करूंगा तो भ्रष्टाचारियों में से एक को तो कम कर दिया ना मैंने, अपने आप को शामिल न करके, तो एक कम। ये कविता है आपके, अब आप समझ गए होंगे एक कम का मूल भाव क्या है। वो कह रहा है कि इतनी विसंगतियों में अगर मैं भागीदार नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को पीछे हटा लेता हूं कदम, भ्रष्टाचार नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, है ना, मैं अपना कदम हटा लेता हूं, तो कम से कम एक भ्रष्टाचारी कम तो कर दिया मैंने। तो कविता का नाम क्या है? एक कम। अब देखो इस कविता को, एक कम कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय समाज में प्रचलित हो रही जीवन शैली को रेखांकित किया है। आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी आजादी के सेनानियों ने कल्पना की थी। पूरे देश का या कहें आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता का मोह भंग हुआ है। परिणाम यह हुआ है कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी, आपसी खींचतान ने ले लिया है और नितांत स्वार्थपरता का माहौल बनता जा रहा है। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति स्पष्ट रूप से देखता है और कुछ न करने की स्थिति में होने के बावजूद भी स्वयं को ऐसे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता। कह रहा है कि जो गरीबों का शोषण कर रहा है मैं नहीं करूंगा, तो उन गरीबों में एक मैं बाधक तो नहीं बनाना, एक तो कम हो गया ना, ये कह रहा है वो। इसलिए वह कम से कम एक व्यवधान तो कम कर ही सकता है ना। और हर आदमी ये सोचे कि गरीबों की जीवन शैली में अगर मैं उनका शोषण नहीं करता, उनसे रिश्वत नहीं लेता हूं, अपने आप को भी अगर मैं कम कर लेता हूं, गरीबों को जीवन जीने का अधिकार दे देता हूं, तो सुंदर समाज अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा ना। यही कविता का मूल भाव है और यही कविता का संदेश है। अब दूसरी कविता है सत्य। सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ उठाए हैं और वहां के जो पात्र हैं वो उठाकर जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन में सच्चाई का महत्व क्या है। महाभारत के पात्रों को लेकर समझाने का प्रयास किया है, ये एक नया प्रयास है सत्य को समझाने का। तो देखिए, अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि इतिहास हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। इतिहास में घटी घटनाएं आगे के लिए समझने का मौका देती है, आगे के लिए मार्ग तय करने का मौका देती है, संभलने का मौका देती है। तो इतिहास हमारा मार्गदर्शक भी बनता है। हम देखते हैं कि इतिहास में क्या गलतियां हुई है, वो ना दोहराई जाए, तो इतिहास हमें समझने का मौका देता है।
तो वो कह रहा है कि बहुत प्रभावशाली ढंग से इतिहास का उदाहरण लेकर वर्तमान की कोई चीज को समझाया जा सकता है। यह कविता इसका एक सबूत है। यह कविता किसका सबूत है कि इतिहास की घटना लेकर किसी बात को ज्यादा स्पष्टता से समझाया जा सकता है। ये इस कविता इस बात का सबूत है। युधिष्ठर, विदुर और खांडवप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य को और सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभीष्ट है। अभी प्लस में इष्ट, जो वो चाहते हैं कहना। जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता इसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है तो कभी उज्जवल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप नहीं है, आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। सत्य एक तरह से क्या है? हमारी आत्मा की शक्ति है। जिसके पास सत्य है वो अकेला होकर भी बहुबल में है। समझे बात है? एक कहावत है ना, झूठ के पैर नहीं होते। कोई कितना ही मजबूत हो, कितना ही शक्तिशाली हो, अगर वो झूठा है या उसने कोई पाप किया है या उसने कोई गलती की है, कोई चोरी की है, तो वो डरेगा जरूर। पक्की बात है, कितना ही शक्तिशाली हो। और एक आदमी सच्चा है, ईमानदार है, वो कितना ही शरीर से पतला हो, लेकिन वो हजारों आदमियों के, सैकड़ों आदमियों के सामने अपनी बात रखने का साहस रखता है, वो डरेगा नहीं अगर सत्य है। तो सत्य में खुद में अपने आप में एक ताकत होती है। और सत्य आत्मबल जगाता है। सत्य क्या करता है? मैं पहले से ही मन में मेरी चोरी का भाव छुपाए हुए हूं तो मैं 10 आदमियों के बीच में क्या बोल पाऊंगा? तो सत्य ताकत देता है। तो सत्य मन की ताकत है। क्या है? यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु स्थिति और घटनाओं पात्रों के अनुसार बदला करता है। सत्य का स्वरूप भी एक सा नहीं रहता। परिस्थितियां बदल रही है, सत्य बदल रहा है। पहले राम राज्य था तो पिता के हर आदेश की पालना की जाती थी। अब समय बदल गया तो सत्य थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर पहले कहते थे पिता की आज्ञा मानो तो माननी चाहिए ना, ये पहले का सत्य है। आज अगर कोई पिता अपने बेटे को कहे ले 100 रुपए एक पौ लागे दे सरावाड़ो, तो पिता का कहना मानना चाहिए? तो समय के साथ सत्य का स्वरूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? चलो शराब की बात छोड़ो, और कोई बात देखो। जैसे 4 भाई है, इस भाई की इसके साथ नहीं बनती। अब ये अपनी औलाद को कहेगा कि इनके घर मत जाना। अब औलाद ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई कि पापा आपकी नहीं बनती, मुझे तो जाने दो। और या ये औलाद कह देगी कि पापा ये बैर भाव कब तक रखोगे, छोड़ो पुरानी बातों को। तो पिता की हर बात अब वो क्या बोलते हैं, राम राज्य वाली थोड़ी हो गई। परिस्थितियां बदल रही है, स्वरूप बदल रहा है। देश काल वातावरण में परिस्थितियां जितनी बदली है उतना ही सत्य का रूप भी बदला है। परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार सत्य का स्वरूप भी बदलता है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं भी हो। समझाई बात है? बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह से ऐतिहासिक पौराणिक घटना के द्वारा प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है। कविता में क्या बताया था छोटी सी कहानी के माध्यम से कि युधिष्ठर विदुर से पूछना चाहता है और विदुर उसकी बातों का सामना कर पाने की हिम्मत नहीं रखता तो वो भागता है। गहरे जंगल में निकल जाने की बात यहां आई है ना। तो ये छोटी सी कविता थी, कल करेंगे रघुवीर साहब।